कि कुछ करप्टेड ऑफिसर्स ने, कुछ करप्टेड लोगों ने मिलके जो भी कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ किए हैं, मैं जब तक इसमें जीत नहीं जाऊं, मैं किसी से मिला नहीं चाहती। हम हमारा फ़ोन जो है ऑफलाइन मोड पे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं, मैं फेसबुक पे पोस्ट करके बता सकती हूँ कि कितने कॉल जाते हैं। सो बेसिकली मैं आप सबसे यही कहूँगी, गिव अस सम टाइम, सी कॉल्स बिल्कुल नहीं रुकते। आई शो यू समथिंग, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो क्यों लोग मुझे इतना कॉन्टैक्ट करते हैं? देखो, ओके, शो यू समथिंग। ऐसा होता है कि मैं मेरे फ़ोन से कोई एक फ़ोन भी नहीं लगा सकती। देखो, अगर मैं इतनी बुरी हूँ और मैं इतनी गलत हूँ, तो ये कानून के खेले हुए षड्यंत्र से मैं बाहर कैसे आ गई? देखो कि हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शबनम शेख को याद करता है। You can't use the phone. अगर मैं इतनी बुरी हूं तो लोग क्यों फोन कर रहे हैं? You really can't use the phone. मैं इसे ऑफलाइन मोड पे डालती हूँ, then I'll show you something which is important. आप सबकी दुआओं से बहुत लोगों की खेले हुए गेम फेल हो गए, बहुत लोगों जो उन्होंने कोशिश की थी मुझे फिनिश करने की, जाने बाहर। खैर, अभी भी कानून पे पूरा भरोसा है कि जो भी होगा वो हमारे हक में सही होगा, क्योंकि जेल के अंदर जिस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई थी और मैं बच गई, उसका हिसाब भी कानून को देना होगा। और जितने भी छोटे केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए हैं, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ऑफिसर सामने है जिससे मेरी बहस हो रही थी, और मैंने गाली राइट साइड में किसी बंदे को दी थी जो कि एक नॉर्मल बंदा था, टकला जैसा बफो, वो खड़े होकर वीडियो ले रहा था। तब मैंने उसको पूछा तू कौन है, उसने इमीडिएट मुझे अपोज किया विद वल्गर लैंग्वेज, मैंने उसको गाली दी। द वीडियो इज वेरी मच क्लियर। देन टू उसके ऊपर एक साल के बाद में केस बनता है, वो भी तब जब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होना चाहती थी तब। कोई बात नहीं, एक इलेक्शन गया ना, जिंदगी खत्म तो नहीं होगी। मरवाने की इतनी कोशिश की थी आप लोगों ने, अफसोस नहीं कर पाए। पता है आपको, मेरा जो साम्राज्य है बहुत छोटा सा है। मैं जहाँ बैठती हूँ वो मेरी चेयर मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है। लोग अपने आप आते हैं। मैंने आज तक किसी से कुछ डिमांड नहीं किया, आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों ने अपने तरफ से प्यार में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और मेरे साथ में सबकी दुआएं हैं। मेरे अरेस्ट होने पर मैंने उसे लाइव किया, मेरे अरेस्ट को, ताकि पूरी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है। इसके बाद में जो नेशनल सेक्रेटरी थी हमारी हेल्प केयर फाउंडेशन की, उसका काम था कि वो प्रोटेस्ट करे। उसका काम था कि जिन लोगों की हमने अभी तक मदद की है वो पूरे के पूरे लोगों को खड़ा करें और प्रोटेस्ट करें। एटलीस्ट जिनकी मदद की है वो तो खड़े हो सकते थे, वो भी खड़े नहीं हुए। क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में जो मैंने लोगों को रखा हुआ था वो ही ज़्यादातर मुझे नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। We'll be right back.